क्वेश्चन नंबर एटीन श्री सेन इज एन इनकम टैक्स ऑफिसर एट इंदौर ही ओन्स टू रेजिडेंशियल हाउसेज द फर्स्ट हाउस इज इन दिल्ली ही हैज लेट आउट इट एट रेंट ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड पर मंथ टू अ कंपनी फॉर इट्स ऑफिस तो जो इनका पहला हाउस दिल्ली में था इनके पास पहली बात तो दो हाउस थे एक हाउस है दिल्ली में तो उस हाउस को इन्होंने थ्री थाउजेंड रुपीज पर मंथ पे रेंट पे दिया है एक कंपनी को ऑफिस के लिए हमको उससे मतलब नहीं है कि किसको दिया है हमको बस ये मानना है यहाँ रेंट दे दिया तो ये लेट आउट वाले कंडीशन से सॉल्व होगा फर्स्ट हाउस जो दिल्ली में है द सेकेंड हाउस इज एट इंदौर इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाई हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस तो जो सेकेंड हाउस है वो है इंदौर में और वो कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट हुआ है फर्स्ट मार्च टू का और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हुए हैं ही took अ लोन ऑफ rupees sixty thousand ऑन first August 2016 थाउजेंड सिक्सटीन एट ट्वेल्व परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट फॉर द of ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस या ये ध्यान रखिएगा ये सिर्फ सेकेंड हाउस की बात हो रही है तो यहाँ बोला गया है लोन लिया है उन्होंने सिक्सटी का और कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हुआ है फर्स्ट मार्च टू तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो जिस दिन उन्होंने लोन लिया यानी कि फर्स्ट अगस्त 2016 से लेकर जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाला 31 मार्च यानी कि फर्स्ट मार्च 2021 लिखा है तो इससे पहले जो 31 मार्च आया होगा वो आया होगा 31 मार्च 2020 को तो 1st अगस्त 2016 से लेकर 31st मार्च 2020 तक इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर 60000 का 12% कैलकुलेट होगा सिर्फ सेकेंड हाउस के लिए है ये अदर रेलेवेंट पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस आर गिवन बिलो पहले हम फर्स्ट हाउस का देख लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन फर्स्ट हाउस का 24000 म्युनिसिपल टैक्स 10% फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 200 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम और ग्राउंड रेंट ये दोनों ही हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स 175 लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स जो दिया हुआ है ये भी हम नहीं लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है थाउजेंड और फर्स्ट हाउस है लेट आउट के लिए तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपका एनुअल वैल्यू में से लेस हो जाएगा अब सेकेंड हाउस का देख लेते हैं म्यूनसिपल वैल्यूएशन एटीन थाउजेंड रुपीज़ म्यूनिपल टैक्स सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया हुआ है वैसे भी नहीं लेते हैं इसमें ग्राउंड रेंट दिया हुआ है नहीं लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स भी नहीं लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं सिक्सटी थाउजेंड का ट्वेल्व परसेंट इतना ही आता सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड वो हमको ऑलरेडी कैलकुलेट होकर दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन में हम यही लेस कर देंगे एनुअल वैल्यू में से द ग्राउंड रेंट ऑफ द डेली हाउस एंड द म्यूनिसिपल टैक्स एंड द लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ द इंदौर हाउस इंदौर हाउस आर अनपेड तो दिल्ली हाउस का ग्राउंड रेंट अनपेड है और सेकेंड हाउस जो कि इंदौर में है उसका म्यूनिसिपल टैक्स और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स नहीं पे है तो so जब हम ग्रॉस एनअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स लेस करते हैं वहाँ पे uh, ये जो टैक्स क... नहीं निकल नहीं हम लेस करेंगे क्योंकि इन्होंने पे नहीं किया है अभी श्री सेन वॉज ट्रांसफर टू उज्जैन ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वेयर ही रिसाइड्स इन अ हाउस एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज़ टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अब ये जो श्री सेन थे ये ट्रांसफर हो गए उज्जैन में वहाँ पे ये एक हाउस में रह रहे थे जिसका मंथली रेंट है ट्वेंटी फोर हंड्रेड हमको उससे मतलब है नहीं क्योंकि हम जिस हाउस में ये रहने गए उसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ श्री सेन के जो हाउस है उसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे एंड हिज हाउस एट इंदौर वॉज लेट आउट ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एट द रेंट ऑफ रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में तो बोल दिया था कि द सेकेंड हाउस इज एट इंदौर और यहाँ बोला था हैज बिन ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर ओन रेजिडेंट जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये जो सेकंड हाउस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है जबकि नीचे यहाँ पे मेंशन है कि जब उनका ट्रांसफर हो गया था उज्जैन तो इन्होंने इस वाले हाउस को जो पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड था उसको अब उन्होंने रेंट पे दे दिया है फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ तो अक्टूबर में रेंट पे दे दिया अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च छः महीने का रेंट एक्चुअल रेंट इसमें छह महीने का लिखेंगे क्योंकि जो स्टार्टिंग के छह महीने ये घर खाली रहे थे उसमें वो खुद सेल्फ़ ऑक्युपाइड थे और सेल्फ़ ऑक्यूपाइड को हम वैकेंसी नहीं मानते हैं तो इस वाले हाउस को भी हम लेट आउट के उससे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि फर्स्ट अक्टूबर को इन्होंने लेट आउट रेंट पे दे दिया था ये वाला कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री सेन फॉर द असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री पहले हम फर्स्ट हाउस का कैलकुलेट करेंगे फिर सेकेंड हाउस का फिर दोनों को ऐड कर देंगे और अब दोनों ही हाउस लेट आउट के कंडीशन से सोल्व होगा सोल्यूशन देखते हैं एटिंग का सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस वाला सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद सेकेंड हाउस वाला फॉर्मेट बना लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असमेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है नॉर्ट कर्ड वाले से हम सॉल्व करेंगे फिर म्यूनिसिपल वैल्यू एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट तो म्यूनिसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस के केस में ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज एक्चुअल रेंट बोला क्या है थ्री थाउजेंड पर मंथ रेंट है तो थ्री थाउजेंड रुपीज़ इंटू ट्वेल्व यानी कि थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर और ग्रॉस एनुअल वैल्यू थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ लेस करेंगे हम म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर म्यूनिपल टैक्स बोला है टेन परसेंट तो इसका अंतर टेन परसेंट ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू यानी कि टेन परसेंट ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू जो कि है ट्वेंटी फोर थाउजेंड या आ जाएगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड उसके बाद हम लेते हैं वैकेंसी जो कि नहीं है इसमें अनरियलाइज रेंट वो भी नहीं है सीधे ट्वेंटी फोर हंड्रेड को हम आउट में लिख देंगे थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर हंड्रेड या गया थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ एनअल वैल्यू अब हम लेस करते हैं इसमें डिडक्शंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फ़ोर सबसे पहला हम लेते हैं थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू तो थर्टी परसेंट ऑफ यहां पे एनुअल वैल्यू है थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यह आ जाएगा टेन थाउजेंड एट्टी फिर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर जो कि इसमें नहीं दिया है नील और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड वो भी कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवेन है तो फिर ये नील टेन थाउजेंड एटी हम आउटर कॉलम में लिख देंगे इसको हम लेस कर लेंगे थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस वन केस में सेकेंड हाउस अब देख लेते हैं हम फॉर्मेट बना लेंगे पहले अपना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पहले तो सेकेंड हाउस में बोला था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेकिन जब श्री सेन का ट्रांसफ़र हो गया था दूसरे सिटी में तब उन्होंने उसी सेकेंड हाउस को दे दिया लेट आउट पे और जब वो हाउस लेट आउट पे चला जाता है तो हम सिर्फ उसको सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं मानते हम इसको लेट आउट के बेसिस पे कंसिडर करेंगे लेकिन रेंट सिर्फ उतने ही महीने का लेंगे जितने महीने से जितने महीने रेंट पर रहा है तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट अक्टूबर 2021 को लेट आउट किया गया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च छः महीने का रेंट एक्चुअल रेंट हो जाएगा इसमें और ये नॉट कॉर्ड वाले कंडीशन से सॉल्व होगा क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है एटीन थाउजेंड एक्चुअल रेंट अभी बताया मैंने केवल छह महीने का कैलकुलेशन होगा और पंद्रह सौ रुपए रुपीज रेंट पे चढ़ाया तो फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं है इन दोनों में जो ग्रेटर वो हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो ग्रेटर था इन सब में से लेस करेंगे हम म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर तो यहां हम पेड वाला लेते हैं क्वेश्चन में साफ साफ नीचे मेंशन है कि द म्युनिसिपल टैक्स एंड द लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ द इंदौर हाउस आर अनपेड तो जब अनपेड रहता है तो हम नहीं लेंगे ये ध्यान रखिएगा आप लोग उसके बाद वैकेंसी तो जब सेल्फ ऑक्युपाइड वाला क्वेश्चन है तो उसमें वैकेंसी नहीं मानते हैं हम उसको कि वो सेल्फ ऑक्युपाइड वाले में चला जाता है इसलिए वैकेंसी नहीं है तो फिर ये हो गया रेंट ये भी नहीं गिवन है तो एनुअल वैल्यू भी हो गया ये भी आ गया अनिल एनुअल वैल्यू हो गया एटीन थाउजेंड रुपीज जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू था एनुअल वैल्यू इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर सबसे पहले हम लेस करते हैं थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू यानि कि थर्टी परसेंट ऑफ एटीन थाउजेंड रुपीज क्योंकि एनुअल वैल्यू एटीन थाउजेंड था यह आ गया फिफ्टी फोर हंड्रेड उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर तो इसमें हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है वो ऑलरेडी गिवन है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड तो हम वो यहां ले लेंगे इसमें लोन कब लिया हुआ है और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है ये भी दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड वो भी लेंगे हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड ये हम उस डेट से कैलकुलेट करते हैं जिस दिन लोन लिया गया यानी कि फर्स्ट अगस्त 2016 से कैलकुलेट करेंगे और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले थर्टी फर्स्ट मार्च यानी कि फर्स्ट मार्च 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो इससे पहले वाला थर्टी फर्स्ट मार्च आएगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू को तो वहीं तक हम कैलकुलेट करेंगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑगस्ट अगस्त 2016 से लेकर ये क्लोज होगा 31 मार्च 2017 को अकाउंटिंग ईयर हमेशा इस दिन क्लोज हो जाता है फिर 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट होगा और ये खत्म होगा 31 मार्च 2017 फिर 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 फिर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2020 से लेकर ये रुकना चाहिए था 31 मार्च 2021 को ख़त्म होना चाहिए लेकिन 1 मार्च 2021 को ही ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले थर्टी फर्स्ट मार्च यानी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी तक ही कैलकुलेट करेंगे ये ईयर हम नहीं कंसिडर करेंगे तो लोन है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ का उस पर इंटरेस्ट है ट्वेल्व परसेंट का और यहाँ पे कितने महीने हैं वो काउंट कर लेंगे तो अगस्त से स्टार्ट हुआ अगस्त को लोन लिए अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जनवरी फेबररी मार्च आठ महीने तो एट बाय ट तो ये हो जाएगा आपका एट सिक्स फोर्टी एट हंड्रेड इस ईयर में फिर उसके बाद यहाँ पे ये पूरे बारह महीने तो सिक्सटी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व परसेंट और पूरे बारह महीने यहाँ कंप्लीट हुए हैं यानी कि ये हो जाएगा सेवेंटी टू हंड्रेड यहाँ पे भी पूरे बारह महीने कंप्लीट हुए हैं तो सिक्सटी थाउजेंड का ट्वेल्व परसेंट और ट्वेल्व बाय ट्वेल्व यानी कि सेवेंटी टू हंड्रेड फिर यहाँ पे भी पूरे बारह महीने कंप्लीट हुए हैं सिक्सटी थाउजेंड का ट्वेल्व परसेंट बारह महीने के लिए तो ये भी सेवेंटी टू हंड्रेड अब इन सब को हम ऐड कर देंगे और फाइव से डिवाइड कर देंगे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा फिर ये यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे हम So, 4800 प्लस सेवेंटी टू हंड्रेड प्लस सेवेंटी टू हंड्रेड प्लस 7200 ये यह आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड अब ये आ गया टोटल इंटरेस्ट और हम इसको फाइव एन इक्वल एनअल इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइड बाय फाइव फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी तो यहाँ हम लिख देंगे फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी अब इन तीनों को हम एड करके आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे फिफ्टी फोर हंड्रेड प्लस सेवेंटी टू हंड्रेड प्लस फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी ये हो जाएगा सेवेंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एट्टी इसको हम लेस करेंगे एटीन थाउजेंड में से ये आ गया वन हंड्रेड ट्वेंटी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस टू से अब इसमें हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी श्री सेन तो दोनों हाउस उन्हीं के हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री सेन तो फर्स्ट हाउस का और सेकंड हाउस का ऐड कर देंगे फर्स्ट हाउस में आया था ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी और सेकंड हाउस में आया है वन हंड्रेड ट्वेंटी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी Yeah, i get 23640 total income from house property of sri Singh.